नमस्कार नस, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसे आपको बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए स्पेशली ऑग्नि का एक टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले वीडियो में भी मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पार्ट वन बता रखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल के लिए कॉल होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसके आगे का एक कंटिन्यू पोर्शन है। नेक्स्ट इज द हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब एल्कोहल्स की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराना। एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू एल्काइलाइड यूजिंग एन थ्री रिएक्शन। एल्कोहल को हैलाइड्स में चेंज करना क्या कहलाता है? हेलोजिनेशन कहलाता है। हेलोजिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम तीन टाइप की रिएक्शन यानी कि तीन टाइप के हेलोजन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हम हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कर देती है, तो हमारा हम हाइड्रोजन हैलाइड्स कर ही रहे हैं, हम उसका हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर रहे हैं। क्या HCl हमने क्या यूज करा? HBr हमने क्या यूज करा? HI। क्या मतलब है? रिस्पेक्टिव एल्काइल हैलाइड आर फॉर्म बाय द रिएक्टिंग विद द एप्रोप्रिएट HCl फॉर क्लोरीनेशन। अगर आप क्लोरीनेशन कराना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे HCl, अगर हम ब्रोमोनेशन कराना चाहते हैं तो हम HBr, और अगर हम आयोडिनेशन कराना चाहते हैं हम क्या यूज करेंगे? HI। कहने का मतलब है हमें इस फंक्शनल ग्रुप में से, हमारा फंक्शनल ग्रुप है आपका OH, OH में से OH को हटा के क्या इंट्रोड्यूस करना है? हैलोजन इंट्रोड्यूस करना है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिया CH3, OH हमारा अल्कोहल है और हमने इसको ट्रीट कराया मान लीजिए HI के साथ, तो वी रिमूव द HI H2O ग्रुप, हमने क्या निकाल दिया? H2 को एलिमिनेट कर दिया और हमें क्या प्राप्त हो गया? CH3, हमारा क्या बन गया? आयोडाइड प्राप्त हो गया। सेम वे अगर HBr के साथ कराते हो तो HBr के साथ कराने पर ये हो गया OH, यहाँ से भी यहाँ से OH हटा और इसकी पोजीशन पे क्या गया? Br हमारा निकल गया, H2O बाहर निकल गया। सेम वे अगर HCl के साथ कराते हो तो हमारा H2O बाहर निकल गया और वहां पर क्या इंट्रोड्यूस हो गया? Cl इंट्रोड्यूस हो गया। इसके थ्रू हमें एल्काइल हैलाइड की प्राप्ति हो गई। तो दिस इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, इसको हम कहेंगे एल्कोहल की हेलोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद थाइनल क्लोराइड। अब हम एल्कोहल के द्वारा हैलाइड्स बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हेलोजिनेशन के लिए एल्काइल हैलाइड का यूज करें, हम थाइनल क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। थाइनल क्लोराइड क्या होता है? देखिए SOCl को हम क्या कहते हैं? थाइनल क्लोराइड। हम किसका यूज कर सकते हैं? थाइनल क्लोराइड। रिएक्शन विद थाइनल क्लोराइड, एल्कोहल रिएक्ट विद थाइनल क्लोराइड टू प्रोड्यूस एल्काइल हैलाइड। क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड बनता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द एल्कोहल्स ऑन SOCl2 मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेसिंग ऑन द क्लोराइड। क्या किसी भी हैलोजन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम अलग अलग हैलाइड्स यूज कर रहे हैं? इसमें हमने थाइनल क्लोराइड यानी कि SOCl2 को यूज करा कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद थाइनल क्लोराइड वी गेट हैलाइड्स एंड रिमूव SO2 एंड HClS। कैसे? देखिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ROS। R का मतलब हुआ कोई भी कार्बन की चेन है, किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। जब हम ट्रीट करेंगे SOCl2 के साथ तो क्या बनेगा? देखिए हमने लिया CH3 CH2OH, हमने कौन सा एल्कोहल लिया? इथेनॉल लिया। हमने इसको ट्रीट कराया SOCl2 के साथ, हमने ट्रीट कराया। तो एक्चुअल में क्या होता है? SOCl2 के साथ ट्रीट कराने पर एवरी केस कहीं भी, चाहे अल्कोहल वाला चैप्टर हो, चाहे एल्डिहाइड वाला चैप्टर हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो एवरी टाइम SO2 और HCl गैस रिमूव होती है। दिस इज द रूल ऑफ थाइनल क्लोराइड। थाइनल क्लोराइड हमेशा SO2 और HCl गैस बाहर निकालता है, तो हमने रूल के अकॉर्डिंग SO2 गैस बाहर निकाल दी, यहाँ से H और Cl बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा? ये देखिए हमारे पास बचा CH3 बचा, साथ में क्या बचा? CH2 बचा और इसके साथ क्या जुड़ गया? Cl। तो हमें क्या बना? CH3 CH2 Cl और इसके साथ क्या जुड़ गया? Cl। Cl कैसे जुड़ा? एक Cl तो हमारा HCl ग्रुप में निकल गया और एक Cl क्या आ गया? यहाँ आ गया। सो वी गेट हैलाइड ग्रुप, दैट मीन्स एल्काइल हैलाइड। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा मेथड टू कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू हैलाइड्स। हमारे पास तीसरा मेथड भी है एल्कोहल के थ्रू क्या बनाना? हैलाइड बनाने का। इसके लिए हम क्या लेंगे? देखिए रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। एल्कोहल विल ट्रीटेड विथ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। एल्कोहल को किसके साथ ट्रीट करोगे? फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या ट्राइब्रोमाइड या ट्राइक्लोराइड, कुछ भी ले सकते हो। मैंने फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड लिया है या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड। ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हो आप, मैंने ब्रोमाइड लिया, ये नहीं है कि ब्रोमाइड ही ले जाएगा, ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हो, ट्राइब्रोमाइड भी ले सकते हो। ट्राइक्लोराइड लोगे तो क्या लिखोगे? PClC। और पेंटाक्लोराइड लोगे तो क्या लिखोगे? PClC5।
ट्राई ब्रोमाइड को लोगे तो क्या लिखोगे, TBr3, ठीक है, और पेंटा ब्रोमाइड लिखोगे तो क्या लिखोगे, TBr5, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन आपका रिप्लेस करना है और सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक। तो आपने एल्कोहल के साथ किसका ट्राई क्लोराइड या ट्राई ब्रोमाइड जो भी लिया आपने, फिलहाल यहाँ पर लिया आपने, तो क्या बनेगा, देखिए हमने मैं आपको रिएक्शन करा दी किसके साथ, ट्राई क्लोराइड के साथ करा ली, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, और हमने रिएक्ट करी PCl3 के साथ, हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, PCl3 के साथ। तो जब हमने इसको PCl3 के साथ ट्रीट कराया तो हमारा PCl3 के साथ ट्रीट करने पर क्या बना, हमेशा रूल याद करेगा कि PCl3 या PBr3 एलिमिनेट करता है H3PO3, दिस इज द रूल, क्या निकालता है, H3PO3। ये जो रूल होते हैं आपको रूल को याद रखेंगे तो आपकी सारी केमिस्ट्री बहुत ईजी जाएगी, कि हमेशा इसमें क्या निकलता है, H3PO3 बाहर एलिमिनेट होता है, और PCl5 या PBr5 हमेशा क्या बाहर निकलता है, हमेशा जो बाहर निकलता है POCl3 और HCl। ये रूल अगर आपको याद रहेंगे तो आपकी केमिस्ट्री ही रहेगी, कि जहां जहां पर भी PCl3 होता है हमेशा क्या निकलेगा, PCl3 के केस में H3PO3 बाहर निकलता है, और उसी के बेसिस पर रिएक्शन बैलेंस होती है। कैसे, देखिए हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन किस पर होती है, फंक्शनल ग्रुप पर होती है। हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, आपका OH ग्रुप है, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, ठीक हो गया। तो हमने कहा वी नो दैट व्हेन रिएक्शन विद PCl3 तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट क्या होता है, कहा H3PO3 हमारा बाहर क्या निकलता है, कहा H3PO3। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर H3PO3, तो आप इस वाले पोर्शन को मत लीजिए, क्यों, क्योंकि हमारी केमिकल रिएक्शन किस पर हो रही है, कार्बन की चेन पर नहीं होती है, हमारी केमिस्ट्री की जो केमिकल रिएक्शन होती है किस पर होती है, एल्कोहल पर होती है, यानी कि OH ग्रुप पर होती है। तो OH ग्रुप होती है तो हम OH को फोकस करेंगे, तो हमारा निकलता है H3, H3 यहाँ H के कितना है, एक है, P इज द बैलेंस, O के कितना है, 3, यहाँ O का कितना है, एक है, सो दैट मीन्स इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो H के कितने हो गए, 3, P के कितना हो गया, 1, O के कितने हो गए, 3। तो मैंने इस वाले पोर्शन को इग्नोर रखा, मतलब कहने का मतलब आगे कोई भी कार्बन की चेन हो हम उसको फोकस नहीं करेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप को फोकस करेंगे, सो वी गेट H3P और O3, H3PO3 बाहर निकल गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, CH3 CH2 और 3 Cl, CH3 CH2 Cl। तो हमारे क्या बना, देखो CH3 CH2 Cl, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 Cl। इस तरह से आप अल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ दिखा सकते हो, PCl3 के साथ दिखा सकते हो, ठीक। अब बात करेंगे PCl5, तो रूल हम अभी भी वही फॉलो करेंगे, अगर हम PCl5 लेते तो हमारे क्या बाहर निकल जाएगा, POCl3 और HCl, ठीक। तो हमने लिया आपका CH3 CH2 OH, हमने PCl5 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रूल रिएक्शन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पर होगी, OH पर होगी, तो बाहर क्या निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ रूल POCl3 और HCl बाहर निकाल दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल POCl3 और HCl को बाहर निकाल दीजिए, प्रोडक्ट खुद भी खुद आएगा, POCl3 POCl, एक P एक OCl के 3, एक H और एक CL, एक H और एक CL, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है ये पूरी कार्बन की चेन, जिसका मतलब है CH3 CH2, ठीक है। 5 बचे, 3 यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया CL, बचे कितना, एक CL, क्या बन गया, CH3 CH2 CL CH3 CH2 CL। तो इसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, हैलाइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे हैलाइड बन सकते हैं, ठीक है। सो हम इन रिएक्शन को कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रूल, अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आपके अल्कोहल की रिएक्शन बहुत क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है कौन सी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या हुई, एस्टर एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है अल्कोहल और एसिड का, जहां अल्कोहल और एसिड कंबाइंड होते हैं उसके थ्रू क्या बनता है, एस्टर होता है। तो देखिए अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर। मैंने आपको क्या बोला, एस्टर कॉम्बिनेशन होता है अल्कोहल और एसिड का। तो हमारी अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड क्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा प्रोड्यूस होगा एस्टर। द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव एज सून एज इट इज फॉर्म। हमारे इसके थ्रू क्या बनेगा, वाटर एलिमिनेट होगा और हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर की प्राप्ति होगी, हमारा एस्टर प्रोड्यूस होगा। और एस्टरिफिकेशन टेक प्लेस मच फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर सपोर्ट।
और एस्टर बनने की प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं, एस्टरीफिकेशन की प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सो दिस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट एस्टोसोफोर। एस्टरीफिकेशन की प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होती है, कॉन्सेंट्रेट एस्टोसोफोर की प्रेजेंस में होती है। सो वी टेक द एनी एल्कोहल, हमने लिया एनी एल्कोहल सी एस थ्री और रिएक्ट विथ एसिड, एसिड हमने लिया है सी एस थ्री सी ओ ओ एच, ठीक है। सी एस थ्री सी ओ एच को मैं उल्टा करके अगर लिखती हूँ, अपोजिट करके सी एस थ्री सी ओ ओ एच, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, इससे फायदा ही होगा कि दो फंक्शनल ग्रुप आमने सामने आ जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट एस्टोसोफोर, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेट एस्टोसोफोर का यूज केमिस्ट्री में किस लिए होता है। द कॉन्सेंट्रेट एस्टोसोफोर कैन बी यूज इन ए केमिस्ट्री फॉर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट शुड बी यूज टू रिमूव ऑल ऑफ द वॉटर। So that means in the presence of concentrated stresophore, we can be remove the water molecules. And now we find out after removal of water, what? We find out the ester. So what is the formula of ester? This is the CH3OCO or ye ho gaya CH3. हमने जब इसमें से क्या निकाला, वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करा, सो वी गेट आउट सी एस थ्री सी एस थ्री, दिस इज ओ दिस इज ओ, फिर बचा क्या सी ओ, दिस इज सी ओ, ये हो गया सी एस थ्री। तो देखो हमने ये हो गया आर सी ओ ओ आर, हमारा क्या बन गया एस्टर बन गया। जैसे मैंने क्या किया एसिटाइल क्लोराइड के साथ लिया, अगर इस मॉलिक्यूल्स को उल्टा करके लिखते हैं, हमारा इस फॉर्मूले को उल्टा करके लिखते हैं, जो मैंने आपको बोला कि एक फॉर्मूला सीधा रखो एक फॉर्मूले को उल्टा रखोगे तो आपकी रिएक्शन बहुत ईजी होगी। अगर एसिटिक एसिड ना यूज करके एसिटिल क्लोराइड यूज करते हो तो हमने क्या लिया है, देखिए हमने लिया है सी एस थ्री सी ओ सी एल, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ, एल्कोहल आप उल्टा करके लिखिए सी एस थ्री सी एस टू ओ, उल्टा करने का मतलब फंक्शनल ग्रुप को आप एक दूसरे के सामने लिखिए, एक दूसरे के सामने लिखा तो देखिए क्या निकल गया इसमें एस सी एल निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा सी एस थ्री सी ओ, दिस इज सी एस थ्री सी ओ, फिर क्या बचा ओ, दिस इज ओ, दिस इज सी एस टू सी एस थ्री, दिस इज सी एस टू सी एस थ्री, वी गेट एस्टर। यू नो दैट एस्टर इज द आर सी ओ ओ आर डैस, एस्टर क्या होता है आर सी ओ आर डैस ग्रुप होता है, दिस इज आर सी ओ आर डैस ग्रुप एंड वी गेट एस्टर। So this is the second reaction of alcohol, we find out the ester. Next, third reaction of alcohol is the oxidation reaction. Oxidation, oxidation reaction matlab alcohol functional group ko oxidize karna hai. ठीक है, एल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज बाय द वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ द ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ द हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज करना फंक्शनल ग्रुप का इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज गेन एंड लूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लूज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होगी, क्योंकि हमारे पास एल्कोहल के थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्कोहल हमारे पास कई टाइप के होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एल्कोहल को अगर लेके चलते हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल क्या हो गया आपके पास, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है आपका, हमने जैसे प्राइमरी अल्कोहल लिया तो सी एस थ्री ओ एच, ठीक है सी एस थ्री ओ एच प्राइमरी अल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो क्या बनेगा, आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, ओ एच का ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसमें चेंज होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द अल्कोहल, दिस इज द अल्कोहल, ऑक्सीडेशन करोगे, एक कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या हो जाता है एच सी एच ओ, एच सी एच ओ क्या बना, एच सी एच ओ बना, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे प्राइमरी अल्कोहल में तो ये हमारा बन जाएगा सी एच थ्री, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल का बनाओगे तो क्या बन जाएगा एच सी ओ ओ, ऐसे यानी कि एसिड की प्राप्ति होगी। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू एसिड, तो इसका अल्कोहल कैन एल्डिहाइड टू इज फॉर्म फर्स्ट विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ वी टेक द सेकेंडरी अल्कोहल, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, दो कार्बन चेन हो गई, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज एंड आफ्टर दैट दिस इज द ऑक्सीडाइज, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन हमने लिया है, हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में यूज कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज कर लीजिए, के टू सी आर टू से यूज कर लीजिए। सो आफ्टर रिमूवल द वाटर, अगर इसमें से पानी निकल दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है सी सी एस थ्री, ये सी एस थ्री ग्रुप ऐसे ही रहा, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या कहा था मैंने, ऑक्सीजन का जुड़ना, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, सो वी गेट ए कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है
कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनने के बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ था, हमें एसिड मिला था, ठीक है, जैसे कि मैंने पिक्चर में शो करता है। बट टर्शियरी सेकेंडरी अल्कोहल में इस तरह की प्रोसेस नहीं हो रही है क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। हमें इस रूल को दिमाग में रखना है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिड बनता है। तो दिस इज नॉट एल्डिहाइड, दिस इज अ कीटोन। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल ओनली वन ऑफ सीएस बॉन्ड दे कैन बी ब्रोकन सो इट कैन बी ऑक्सीडाइज वंस टू कीटोन। साफ लिख रखा है वंस टू कीटोन विद कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर, वो दोबारा से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो फर्दर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस शो नहीं करता है। अब बात करते हैं, हमने तो बात करी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, अभी बात करी जाएगी टर्शियरी अल्कोहल की। टर्शियरी अल्कोहल में भी ऑक्सीडेशन होता है या नहीं होता है, सो नाउ वी मूव द टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा, देखिए व्हेन वी मूव द टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल हैज नो सीएच बॉन्ड। टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी सीएच बॉन्ड नहीं होता। क्या कहने का मतलब, उसका कहने का मतलब क्या है कि टर्शियरी अल्कोहल में तीन कार्बन की चेन होंगी, तीन कार्बन की ब्रांच होंगी, दिस इज द स्ट्रक्चर टर्शियरी अल्कोहल, और उसका आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। तो ऑक्सीडेशन अगर करना चाहेंगे तो सेम वे दिखा रखा ऑक्सीडेशन, बट सो इट इज नॉट ऑक्सीडाइज, नो मैटर सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन, बिकॉज इट वुड इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ द हाईली एनर्जी सी सी बॉन्ड ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल में ये बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेकअप नहीं हो पाते। सो टर्शियरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होती, यानी कि इसमें नो रिएक्शन, ये कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि इसमें फ्री सी और एच बॉन्ड नहीं होते। जबकि प्राइमरी अल्कोहल में तीनों तरफ से एच प्रेजेंट था, दो एच प्राइमरी अल्कोहल में क्या थे, दो एच प्रेजेंट थे और एक सी एच थ्री प्रेजेंट था। सेकेंडरी अल्कोहल में दो सी एच थ्री और एक एच था, ये एच होने के कारण फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया और एच टू के रूप में निकल गया था। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी सी एच बॉन्ड ना होने के कारण इसका फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। मैं आपको भी इसे सेकेंडरी के स्टूडेंट को स्पेशली बोल दूँ कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पर्पस, ठीक है। सो दिस इज द अल्कोहल्स, आज मेरा आपका अल्कोहल्स टॉपिक खत्म हो गया है, अब आपका स्टार्ट होगा डायोल्स, नेक्स्ट आपका वीडियो जो बनेगा। तो अगर क्वेरीज कुछ हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।